हमलावर है। तो वही बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश रिकॉर्ड से जो हटाए गए हैं उसका मुद्दा उठाया है। राहुल ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। बड़ी खबर, इससे पहले आपको बता दें संसद के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने उस पर आपत्ति जताई है। वो चिट्ठी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर आरएसएस और बीजेपी पर जो टिप्पणी जिस तरह की राहुल गांधी ने की है, उन्हें रिकॉर्ड से हटाया गया है उन हिस्सों को। ऐसे में राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई है, कहा है कि मेरे बयान को रिकॉर्ड में लाया जाए। राहुल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरे हाथ मत पकड़िए, राहुल जी बोल रहे भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी एक्सपेंड कर दिया गया। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए अरे हाथ मत पकड़िए, राहुल जी बोल रहे भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी एक्सपेंड कर दिया गया। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? तो इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर अपना पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से तो हटा सकते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कल संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कई हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। स्पीकर से शिकायत के बाद कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। नर्सिंग घोटाले पर घमासान जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि वो सदन में